आईपीएल 2023 लाखों में बिके पांच खिलाड़ी इस साल कर रहे हैं बहुत तहासुक प्रदर्शन, करोड़ों में बिकने वाले प्लेयर्स भी इनके सामने हैं फेल। आईपीएल में ऐसा कम ही देखने को मिला है जब कोई खिलाड़ी महंगा बिका हो और उनके शानदार प्रदर्शन किया हो। सैम करन और बेन स्टोक और हैरी ब्रुक जैसा खिलाड़ियों का उदाहरण है जो इस साल आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन हम आपको पांच ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो आईपीएल में लाखों रुपए में बिके लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से करोड़पतियों में बिके प्लेयर्स को भी फेल कर दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है पीयूष चावला का। जी हाँ, पीयूष चावला अब तक के साल 2023 में 13 मैच खेले और उन्होंने 20 विकेट चटकाए। उनका एवरेज इस दौरान सिर्फ 19 का रहा। पीयूष चावला की इकोनॉमी 8 से भी नीचे की रही। उन्होंने मुंबई इंडियंस ने इस साल सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदा था। गुजरात टाइटंस से खेल रहे मोहित शर्मा ने 10 मैचों में अब तक कुल 17 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 30.5 ओवर डाले और सिर्फ 230 रन दिया। उनकी इकोनॉमी भी 8 से नीचे की है। 4 विकेट लेने का क्रमाना इस बार आईपीएल में 2 बार किया। मोहित शर्मा को गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदा है। ईशांत शर्मा ने भी अपना प्रदर्शन से सबको दिल जीता। भले ही उनकी टीम टूर्नामेंट से इस साल बाहर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने सभी मैचों में अपना 100% दिया है। 8 मैचों में उन्होंने कुल 10 विकेट चटके हैं। दिल्ली ने उन्हें इस साल मात्र 50 लाख रुपए में खरीदा था। केकेआर का युवा खिलाड़ी सुरेश शर्मा 10 मैचों में कुल 10 विकेट चटकाए। उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उनकी इकोनॉमी इस दौरान उनकी 9 की आसपास रही। हालांकि एवरेज 30 से ज्यादा का इस आईपीएल में उन्होंने 38 ओवर डाले और कुल 288 रन दिए। केकेआर ने उन्हें सिर्फ 20 लाख रुपए में खरीदा था। लखनऊ सुपर जायंट्स के अमित मिश्रा 7 मैचों में इस साल कुल 7 विकेट चटकाए हैं। उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उसने जिस मैच में खेले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। उनकी इकोनॉमी 8 से नीचे की रही है जबकि एवरेज 21.28 की रहा। लखनऊ ने अमित मिश्रा को सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदा था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।